जहां एक ओर पूरा देश कोरोना से सहमा हुआ है, वहीं दूसरी ओर शायद ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना को लेकर जागरूकता अभी भी कम ही है। शायद तभी उन्नाव जिले के नगर पंचायत हैदराबाद में होली के बाद अष्टमी का मेला हर साल की तरह इस बार भी लगाया गया। जहां कोरोना में सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों और बच्चों को होता है, वहीं ये मेला खास तौर पर बुजुर्गों के लिए ही लगाया जाता है। इस मेले में आप बच्चों की भीड़ भी खास तौर पर देख सकते हैं। जहां शहरों में लोग काफी जागरूक नजर आ रहे हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बच रहे हैं, वहीं अभी सरकार को ग्रामीण इलाकों में कोरोना को लेकर ठोस कदम उठाने और लोगों को अधिक जागरूक करने की जरूरत है। के शर्मा, अब ये बुजुर्गों की चीज है और बुजुर्गों द्वारा प्रारंभ होता है। कम से कम लगभग 300 वाट पर दर्द ये पुस्तो साज के स्थान से चालू होता है और इस समय अब वो है नहीं ना, गंगे चौराहे से वापस होकर फिर वही स्थान पे वापस आ जाता है। ये होली के बाद अष्टमी के बाद जो भी दिन शुक्र या सोमवार पड़ेगा मेला उसी दिन होगा। हाँ मेला लगता है, मेला तो मेला बाजार है, बाजार में मेला होता है। अच्छा, और यार ये पहले बुजुर्गों की चीज है, वो किसी उसी से उनको पेटिस कराई जाती है, उससे बच्चे तब करते हैं। उन्नाव से केकेडी न्यूज संवाददाता अश्विनी सिंह के साथ गोविंद सिंह की रिपोर्ट।